गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल द एडुकरप्टर। कैसे हैं आप लोग? होप फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम लोग जो है पाथन के नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि कंटिन्यूस टॉपिक है। लास्ट वीडियो का जो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन देखा था, उसका कंटिन्यू ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो पाइथन में हम लोग किस तरह से एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर 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 आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज उसको अंत तक देखें, तो प्लीज डू लाइक ऑफ दिस वीडियो, सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। सो अभी आप देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग क्या है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को या प्रोग्राम को देते हैं कि उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो उसमें अगर कुछ अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस आ गए जो कि हम लोग हैंडल नहीं किए हैं और हमें पता नहीं है कि वो अकर हो सकता है, जिसको हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन कहते हैं कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बीच में कुछ एक्सेप्शन आए तो वो रन टाइम एक्सेप्शन है। तो वो पाइथन क्या करेगा, उस विल नॉर्मली क्या करेगा, स्टॉप कर देगा उस प्रोग्राम को और एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा। तो ये एक जो वे है वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, नहीं कि सिर्फ पाइथन के लिए, बट वे जो है वो अलग है लिखने का इसमें। तो पाइथन में भी हम लोग तीन तरह के कीवर्ड यूज करते हैं इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। अब एक्सेप्शन हैंडल हम लोग क्यों करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अब नॉर्मली ये जो है किल ना हो, तो हम लोग ग्रेसफुली उसको किल करना चाहते हैं। तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे और यूजर को बताएंगे कि भाई ये एरर आया है और इस तरह से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वैसा करके हम लोग ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूजर को ग्रेसफुली, लेकिन एग्जिट करते हैं हम लोग। बट अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे तो कहीं भी प्रोग्राम ब्रेक कर करके वो स्टॉप हो जाएगा और दैट इज अ बैड साइन फॉर दैट एनी डेवलपर। सो बेटर जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखे तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक हो वो हम लोग प्रॉपरली हैंडल करें एक्सेप्शन के थ्रू टू यूजर, सो यूजर को इजिली हो अंडरस्टैंड करने में और उसको समझ में आए कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम आया है, कि वो नेक्स्ट टाइम अगर इसको रिज्यूम करता है, रिट्राई करता है, तो पिछले वाले जो प्रॉब्लम आया है उसको रेक्टिफाई करने के बाद वो फिर से चलाए। तो हमारे पास यहाँ तीन ब्लॉक है, अगर आपको दिख रहा होगा बोल्ड में ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। तो वी आर रिकमेंडेड फॉर एवरी डेवलपर कि जब भी आप कोई कोड लिख रहे हैं जिससे आपको लगता है कि उसमें इस तरह के एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो आप प्लीज उसको ट्राई ब्लॉक में लिखे। तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है कि जब भी आप वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने के टाइम में अगर कुछ एक्सेप्शन आया हो तो एक्सेप्ट ब्लॉक में उस एक्सेप्शन को कैच करता है और आपको यूजर इन्फॉर्मेटिक मैसेज प्रोवाइड करता है एरर के साथ। उसके बाद है लास्ट एक फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक क्या है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी ट्राई और एक्सेप्ट दिस विल ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। तो हम लोग फाइनली ब्लॉक यूज क्यों करते हैं, तो इसका सिंपल स्टेटमेंट ये है कि अगर हम जब भी कोई फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन करते हैं या डीबी रिलेटेड ऑपरेशन करते हैं, तो हमारा जो ट्राई ब्लॉक में हम डीबी को ओपन किए हैं या फाइल को ओपन किए हैं, तो उसको ग्रेसफुली क्लोज करने के लिए हम लोग फाइनली ब्लॉक में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। तो फाइनली ब्लॉक उसको एग्जीक्यूट करता है, वेदर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ हो कनेक्शन या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हो, हमारा डीबी जो है क्लोज होगा फाइनली ब्लॉक में। तो इसलिए फाइनली ब्लॉक का मेन मोटो है। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाएगा कि मैंने लिखा है कि प्रिंट एक्स, प्रिंट एन एक्सेप्शन अकर्ड। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स क्या है, क्या आई पाइथन का इंटरप्रेटर या लोगों का क्या बताना चाह रहा है? तो एक्स तो कुछ डिफाइन नहीं किया, आप सीधे प्रिंट कर रहे हो, तो पाइथन क्या करेगा, ये रन टाइम एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा और कहेगा आपको कि दिस इज देयर इज अ नेम एरर, एक्स इज नॉट डिफाइन करके। ओके, अब हमारे पास क्या है कि बहुत सारे लिस्ट ऑफ एरर्स एक्सेप्शंस क्लासेस हैं पाइथन में, सबका जो बेस क्लास है वो बेस एक्सेप्शन है, उसी से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो बेस एक्सेप्शन एक्सेप्शन को इनहेरिट किया, उसके बाद आपके पास ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस और एरर्स हैं, अर्थमेटिक एरर, ओएस एरर, रन टाइम एरर, लुकअप एरर, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफिकेशन एरर, की एरर, इंडेक्स एरर, परमिशन इनवर्स, फाइल नॉट फाउंड एरर्स। So, ये सब एरर्स हमारा जो है बेसिकली स्टैंडर्ड एक्सेप्शन और एरर्स है पाइथन में। ओके, उसके बाद जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे हम लोग ट्राई ब्लॉक करते हैं, उसका सिंटैक्स आपको सिंपली दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ट्राई है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट टू, सो एक
ट्राई के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हैं। अगर ये दोनों एक्सेप्ट ब्लॉक भी काम नहीं किया तो इफ देयर इज नो एक्सेप्शन देन एक्सक्लूड दिस ब्लॉक, तो एक इफ कंडीशन के तरह भी हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इसका एग्जांपल है, जैसे कि अगर हमने प्रिंट एक्स किया तो नेम एरर, तो वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड। अगर ये एक्स कुछ और रहता, डिफाइंड रहता, बट कुछ और उसमें डिवाइड बाय जीरो का कुछ एरर आता तो वो एक्सेप्ट में आता, प्रिंट समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग, समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग मींस डिवाइड बाय जीरो, उसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते थे, वहां पे एक मैसेज पुट कर सकते थे। तो ये है आपका सिंटैक्स कैसे हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करते हैं। उसके बाद क्या है कि एक ही लाइन में हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शन को भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए भी आप सिर्फ एक्सेप्ट कीवर्ड और कॉमा सेपरेटर हम लोग एरे पास करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई फाइल पास कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें फाइल नॉट फाउंड का एरर हो सकता है उसमें परमिशन का एरर हो, तो कोई एक भी अगर इसमें से मैच किया तो भी वो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और आपका ये एक्सेप्शन, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं तो वो फाइल ओपन सक्सेसफुली करके मैसेज प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्या है कि आप चाह रहे हैं कि आप खुद का एक्सेप्शन राइज करें, मतलब आपको पता है कि हाँ कुछ होने वाला है, तो अगर वो कंडीशन बेस पे आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक से आप राइज कर सकते हैं एक्सेप्शन को, तो उसके लिए हम लोग राइज कीवर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपको दिख रहा होगा सिंटैक्स, तो राइज हुआ, एक्सेप्शन हुआ, उसका आर्गुमेंट हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल में पास कर सकते हैं, जो मैसेज आपको थ्रो कराना है तो वो आप मैसेज लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी x इक्वल टू -1 लिखा था और मैं खुद एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि x इज लेस देन 0 हो, तो राइज करो एक्सेप्शन सॉरी नो नंबर बिलो 0 अलाउड करके, तो ये एक पेरेंट एक्सेप्शन को राइज करेगा। ओके तो उसको हम लोग कहेंगे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो वो पाइथन ये भी अलाउ करता है कि आप अपना ओन एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन लिखे और उसके थ्रू आप प्रोग्राम को हैंडल कर सके। तो अगर एग्जांपल अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने एक माई एरर करके एक क्लास बनाया और बाय डिफॉल्ट उसमें एक आपका कंस्ट्रक्टर है fn init, वो क्या करेगा कि जब भी हम ट्राई ब्लॉक लिखे, मैंने सिंपली एक ट्राई ब्लॉक लिखा, राइज कर दिया माई एरर, यूजर डिफाइंड एरर, तो ये क्या किया, ये माई एरर जब भी लिखा तो ये क्लास को कॉल किया और इसका कंस्ट्रक्टर में जाकर उस वैल्यू को सेट कर दिया, और जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट माय एरर एज ए एरर आया, तो एन एक्सेप्शन एरर, एरर डॉट वैल्यू, वैल्यू इज नथिंग बट इट्स अ सेल्फ वैल्यू, तो वैल्यू एरर डॉट वैल्यू यूजर डिफाइंड एरर जो मैंने पास किया, तो अ न्यू एक्सेप्शन एरर अकर्ड जो आया है वो हमारा मेरे कस्टम क्लास से आया, तो इससे भी हम लोग एक्सेप्शन को राइज कर सकते। तो इन जनरल जो रियल सिनेरियो में डेवलपमेंट होता है उसमें हम लोग अपना जो भी एक्सेप्शन है अगर हम उसको जान रहे हैं कि वो एक्सेप्शन हम लोग अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको जेनेरिक मैसेज के तरह यूजर को बता सकते हैं, तो हम लोग रिकमेंडेड करते हैं कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को ही हम लोग लिखे। तो अभी ये जो ओवरऑल आपको जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कमेंट्स है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज do likes comment on this section and you can get that quickly answer for that. So आपसे यही request है कि इस video को अंत तक देखें और उसको जितना हो सके इसको like, share, subscribe करें, जिससे कि हमें और भी motivation मिले इस video को और भी informative बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।